इतने अवगुणों के साथ साथ अगर वनराज शाह ये गुण भी अपने बच्चों को दे देता तो शायद आज बच्चे राइट ट्रैक पे थोड़ा सा तो होते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। वनराज शाह के सारे गुण हैं तोशूर पाखी में, जेलसी करना, नफरत करना, बदला लेना, खरी खोटी सुनाना, सब गुण है, यानी कि अवगुण है। गुण कहना तो एक स्टाइल है बट अवगुण है, मगर जो गुण है वनराज शाह में वो इनमें एक भी नहीं। बात करते हैं इसके ऊपर, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज वनराज शाह ने अनुपमा को थैंक यू कहा, बहुत अच्छा लगा और ये लगा कि ये गुण तो अब वनराज शाह में है। इसके अलावा फिर वनराज शाह के गुणों की याद आई तो वनराज शाह के बच्चों पे नजर गई कि इनमें तो सिर्फ वनराज शाह के अवगुण ही हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा, जेलसी, नफरत, बदला, सेल्फ सेंटर्ड होना, ये सब अवगुण वनराज शाह में है और यही अवगुण उनके बच्चों में है। बट ये वाला गुण कि थैंक यू कहना, वहां पे तोशु भी तो बैठा था, उसके मुंह से नहीं निकला, उसकी तो बेटी थी मगर नहीं निकला। कहां से निकले, अंदर होगा तो निकलेगा। किसी के लिए ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, हार्ट प्योर होना या हार्ट में कुछ अच्छा होना तभी तो निकलता है, क्योंकि इनके हार्ट में तो सिर्फ अपनी मां के लिए नफरत है, कहां से निकलेगा। और वनराज शाह के बाकी गुण, बाप बापूजी का ख्याल रखना, घर का पूरा खर्चा चलाना, ये सब है वनराज शाह में और ये गुण ना तो तोशु में है ना ही पाखी में। वनराज शाह ने तोशु पाखी को इतनी ट्रेनिंग दी मगर वो सब अवगुणों में, गुणों में एक भी ट्रेनिंग नहीं दी। अगर अवगुण बढ़ाए जाए तो ये तोशु पाखी की इसी ने बढ़ाए है कि उसकी मम्मी जो है यानी कि अनुपमा को तोशु और पाखी की नजरों में इतना गिराया कि आज तक वो अपनी मम्मी को रिस्पेक्टफुली देख ही नहीं पाए, क्योंकि खुद की अकल इन दोनों बच्चों की है ही नहीं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो आज वनराज शाह ने कहा वो अच्छा लगा, मगर जब इन बच्चों को देखते हैं तो यही बात आती है कि ये वाला गुण वनराज शाह इन बच्चों में डालता कि लोगों को थैंक यू भी कहना पड़ता है और प्यार करना भी पड़ता है या प्यार होना चाहिए अपनी फैमिली के लिए, मगर इन दोनों के दिल में अपनी फैमिली की प्यार है ही नहीं। तो ये गुण तो वनराज शाह को अपने बच्चों को सिखाना ही चाहिए था। क्या कहते हो आप इसके बारे में, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.